वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। स्टाइपेंड हमारा हक है, स्टाइपेंड हमारा हक है, स्टाइपेंड हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। मैं डॉक्टर निदा सईद हूँ, मैं करोलबाग से आई हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि ये सबसे पुराना और सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता था, पर यहाँ पे आके पता चला तो यहाँ मामला ही अलग है। यहाँ पे सिर्फ 3 डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे जो जिनको पैसे मिलते हैं, और बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं जो यहाँ जिनको पैसे नहीं मिलते हैं। 3 साल में हमें अपना रिसर्च, थीसिस, सब कुछ अपने आप करना पड़ता है, जो कि एक आम बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं। 3 साल में हम पैसे कैसे, और फिर ये सबसे पुराना कॉलेज है एक तरह से, जो एम्स माना जाता है, और यहाँ पे 11 डिपार्टमेंट है, और सिर्फ 3 को पैसे क्यों मिलते हैं? या तो सबको मिले या किसी को ना मिले। और इतने साल से, आई थिंक 14 ईयर्स से, सीनियर्स वगैरह सब ने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये मामला यहीं पे आगे रुक जाता है कि मिलेंगे मिलेंगे तो कब मिलेंगे। हमने ये प्रोटेस्ट निकाला है अजमल खान तिब्बिया कॉलेज से बाबे सैयद तक, और हमारा इरादा ये था कि हम VC को देंगे, रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम पेश करेंगे। जो उसमें हमारी मांगे थी वो ये थी कि जो स्टाइपेंड हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जो 14 साल से हम लोग स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ 12 स्टूडेंट को मिलता है, और इससे पहले भी हमने इसकी कोशिशें की थी, लेकिन हमें सिर्फ ऑफिस टू ऑफिस दौड़ाया जाता है कि ऑफिस के चक्कर लगाते रहो, रजिस्ट्रार के चक्कर लगाते रहो। इसीलिए आज हम सड़कों पर निकले हैं, और आज हम यहाँ से ऐलान करेंगे कि अगर 5 दिन के अंदर अंदर हमारी मांगें ना पूरी की गई तो हम OPD भी बंद करेंगे, हॉस्पिटल भी बंद करेंगे, PG सब के सब बैठ जाएंगे, कॉलेज को बंद करेंगे और हॉस्पिटल को बंद करेंगे। हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए, हम 14 साल से मेहनत कर रहे हैं, और स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी होती है। एम्स ऑफ यूनानी मेडिसिन इसे कहा जाता है, और एम्स ऑफ यूनानी मेडिसिन के नाम पर यह है कि तमाम हिंदुस्तान के तमाम कॉलेजों को स्टाइपेंड दिया जाता है, लेकिन हमारे बच्चों को महरूम रखा जाता है। सिर्फ 12 स्टूडेंट को 42 में से स्टाइपेंड मिल रहा है, ये सरासर नाइंसाफ़ी, उसी के लिए आवाज़ उठा करके आज हम सड़कों पर आए हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, इन लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पिछले साल ऐलान किया था कि आप सब लोगों के स्टाइपेंड आ चुकी हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि शायद बीच में घपलेबाजी हो रही है कुछ, कि बच्चों तक उनका हक पहुंचाया नहीं जा रहा है। स्टाइपेंड जो है रिसर्च वर्क का जो पेमेंट गवर्नमेंट स्टूडेंट को देती है उसे हम लोग स्टाइपेंड कह रहे हैं। इस स्टाइपेंड को लेकर के सबसे पहला सवाल हमारा ये रहता है कि एक ही कॉलेज में सेम काम करने वाले स्टूडेंट जो रिसर्च वर्कर हैं, PG स्टूडेंट हैं, उन्हें आप स्टाइपेंड दे रहे हैं, और वही काम करने वाले दूसरे अदर स्टूडेंट सेम कॉलेज के सेम डिपार्टमेंट के, उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रही है। इस बात को लेकर के हम कई साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ामिया को बाखबर करते हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस पर कान नहीं धरती।